पहले हम लिस्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट इनवाइट कैसे करना है और शो द प्लान के बारे में हमने कल डिस्कस किया है। तो आज आखिरी बेसिक है, द फोर्थ बेसिक, और वो फोर्थ बेसिक आप जानते हो कि वो है फॉलो अप। और फॉलो अप मुझे लगता है कि शायद इन चारों बेसिक्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फॉलो अप एक ऐसी एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी चीज है कि आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी लिस्ट बना लो, उसमें अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स आपके हों, आपने फोन कॉल बहुत अच्छी की हो, कॉन्टैक्ट इनवाइट बहुत अच्छा किया हो, आपकी अपने ने बहुत ही जबरदस्त प्लान दिया हो, लेकिन अगर आपने फॉलो अप ठीक से नहीं किया तो ज्वाइनिंग नहीं होती। और अगर इससे इसके विपरीत अगर हम बात करें, तो अगर बाकी तीन बेसिक्स में आपने थोड़ी बहुत कहीं ऊंच नीच कर दी हो तो चल जाएगा, लेकिन फोर्थ बेसिक जो है फॉलो अप, उसको अगर आपने स्ट्रांगली कर दिया तो ज्वाइनिंग हो जाती है, राइट? तो फॉलो अप क्या है और कैसे करते हैं, नो डाउट इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी फोर बेसिक्स के बारे में जानते हैं, जो लोग कुछ देर हो चुकी है उनको इस प्लेटफॉर्म पे, इस सिस्टम में, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो फॉलो अप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो दो तीन चीजें आप बताइएगा दोस्तों कि फॉलो अप क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे करना चाहिए। तो इस जो भी अपने व्यूज देना चाहते हैं फॉलो अप के बारे में, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, और दो चार लोगों से जानने के बाद फिर हम इसको डिटेल में और डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज आप अपने हैंड्स रेस कर सकते हैं जो भी फॉलो अप के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो जो भी पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी फोर बेसिक्स के बारे में जानते हैं या अपनी टीम में फोर बेसिक्स के बारे में बताते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, या जो भी आप जानते हो, जो भी आप समझते हो फोर बेसिक्स में फॉलो अप के बारे में, कि फॉलो अप क्या होता है या ये क्यों जरूरी है या कैसे करना चाहिए, या कोई आप अपना एक्सपीरियंस फॉलो अप को लेकर बताना चाहते हो, तो आप अपने अपने हैंड रेस कीजिए, मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, मोहम्मद इदरीस जी, अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट मेंबर्स। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। सर, हाँ अभी जी, तक हमने फोर बेसिक में सीखा, तीन चीजें सीखी, और जो कि लास्ट जो है पार्ट बचा हुआ है फोर बेसिक का, वो है फॉलो। और फॉलो जो है मेन प्रक्रिया है, पूरे जो अभी तक हमने तीनों चीजें करी उसमें लास्ट भूमिका जो होती है फॉलो की होती है। फॉलो क्या होता है, जिस तरीके से हमने पूरा प्लान दे दिया, प्लान देने के बाद उसके मन में कुछ डाउट रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। कई बार जो है ना डाउटफुल स्थिति में होता है कि ज्वाइन करूं कि ना करूं, ज्वाइन करूं कि ना करूं, तब वहां पर फॉलो अप ऐसे काम करता है। आपको क्या करना है, तो अपना बिलीव लेवल जो है उसके अंदर ट्रांसफर करना है। उसको लगा कि हाँ बाकी सही है, सब कुछ ठीक है, तो फटाफट उसी टाइम ज्वाइन हो जाता है। अगर हम बिलीव लेवल उसके अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाते, इस चीज का पूरे तरीके से बिलीव नहीं दिला पाते, तो वहीं पर डाउटफुल स्थिति हो जाती है, फिर सस्पेंस हो जाता है और वो ज्वाइनिंग नहीं होती है। उसमें दोनों लोगों की भूमिका होती है, जो मिडिल मैन होता है उसकी भी, और जो प्लान देने जाता है अपलाइन, उसकी दोनों मेन भूमिका होती है। और क्वेश्चन आंसर की बात कर जाए तो दो तीन सवाल ही होते हैं लोगों के, कि दो नहीं बने तो भाग गई, तो ऐसा होता नहीं, बहुत सारी आई, इसकी क्या गारंटी है, ये चार पांच सवाल ही लोग करवाते हैं, ज्यादा लोग सवाल नहीं होते। लेकिन मेन सवाल लोगों के दिमाग में ये होता है कि ये जो बात कर रहा है कि सही है कि नहीं, वो श्योरिटी चाहता है। जब हम सारी चीजें उसकी क्लियर कर देते हैं और उसको भरोसा दिलाते हैं कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, और फिर मिडिल मैन भी उसको बोलता है, तो उसी टाइम ज्वाइनिंग हो जाती है। क्योंकि 11,200 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आज की तारीख में एक गरीब से गरीब आदमी पास भी है, वो पैसे देने से पहले आदमी श्योरिटी चाहता है। जैसे हमने पैसा दिया या जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, तो सबने शुरुआत में ऐसे ही करा था, उसको एकदम बिलीव नहीं हुआ था, तो जो हमने ऐसा करा था लोग हमारे साथ तो ऐसे ही करेंगे। तो हमारे हमने जब ज्वाइन करा था तो हमें भी तो हमारे सीनियर ने अपलाई ने बिलीव दिलाया था, तो वो बिलीव लेवल हम ट्रांसफर सही से नहीं कर पाते हैं। मैंने तो सर यही सीखा अभी तक, और यही करते करते मैं रूबी लेवल पहुंच गया हूँ सर। थैंक वाह, बहुत बढ़िया सर जी, आपने बड़े अच्छे से बताया, और नो डाउट के जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है वो एक रूबी लेवल के जो लीडर हैं उनकी ही हो सकती है। तो बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसे सर बता रहे थे कि फॉलो अप जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ज्वाइनिंग है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, राइट?
और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है मिडल मैन का, जो अगर आप बिलीफ सिस्टम जो अगर आप ट्रांसफर कर देते हो, क्योंकि देखो पी टू पी बहुत अच्छा सिस्टम है, ये आपको तो पता है लेकिन उसको तो नहीं पता है ना। उसने प्लान जरूर सुन लिया है, लेकिन प्लान उसको भले ही अच्छा लगा हो लेकिन उसके माइंड में अभी भी डाउट है। वो डाउट इसलिए है क्योंकि इससे पहले उसने बहुत प्लान्स और भी सुने हैं, है ना, कई साल हो गए उसको प्लान सुनते सुनते, और जितने भी प्लान सुने उसमें किसी में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसने जितने जहां भी पैसा लगाया वो कंपनी भाग गई, उसने जहां भी पैसा लगाया उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब आप उसको या आपकी अपलाइन उसको पी टू पी का प्लान बता रही है, सुनने में उसको अच्छा लग रहा है, उसको वो विजुअलाइज भी कर रहा होगा कि हाँ हाँ मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ ऐसे कर सकता हूँ, उसको ज्वाइन करवा दूंगा, ये कमा लूंगा वो कर लूंगा। लेकिन जब ज्वाइनिंग की बारी आएगी ना, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक डाउट भी होगा। हालांकि 11,200 रुपये उसके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, वो दे सकता है, लेकिन उसके अंदर जो डाउट है ना, वो ये बोलेगा कि यार 11,200 रुपये भले ही छोटी अमाउंट है लेकिन कहीं वेस्ट ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे मारे ना जाए, कहीं ये सिस्टम भाग ना जाए, है ना। यहाँ बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है कि सिस्टम भी अच्छा है, ये भी ज्वाइंट है, इन्होंने मुझे भी ज्वाइन करवा लिया, लेकिन क्या मैं कल को किसी को ज्वाइन करवा पाऊंगा, है ना। ये जो डर उनके मन में होता है ना, इसी वजह से वो ज्वाइन नहीं होते। और ये एक ऐसा डर है जो वो मुंह पे आपको बोल नहीं सकते, वो ये नहीं कह सकते कि मेरे से लोग ज्वाइन नहीं होंगे। कुछ लोग तो बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये बोलने में शर्म महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये सामने वाला क्या सोचेगा, मैं इतना भी नहीं कर सकता। तो वो मुंह से नहीं कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते। अब ज्वाइन भी नहीं करना है, कारण भी नहीं बताना है, तो फिर वो सबसे आसान चीज ढूंढते हैं, बहाना। और बहाना क्या बोलते हैं, मैं सोच के बताऊंगा या मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये इतनी छोटी सी अमाउंट है कि आजकल आम ही लोगों के पास होती है, घर पे कैश होता है या आपके कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में अमाउंट होती है ना। या अगर किसी के पास नहीं है तो इतनी छोटी सी अमाउंट है कि बंदा कहीं से भी अरेंज कर सकता है, किसी भी फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से आराम से अरेंज हो जाती है, बड़ी छोटी सी अमाउंट है। लेकिन अगर फिर भी कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि या तो उसको ठीक से समझ में नहीं आया कि क्या चीज है ना, हमने प्लान देने में प्लान बताने में कहीं ना कहीं कोई कसर छोड़ दी है। हालांकि ये बहुत कम होता है, मोस्टली ये प्रॉब्लम नहीं होती, सब लोग प्लान सुन के यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्लान है। या दूसरा और सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके अंदर से कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा डाउट होता है जो उनको ज्वाइन नहीं होने दे रहा। वो ज्वाइन होना भी चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, है ना, जिसकी वजह से वो फैसला नहीं कर पा रहे, यस और नो में फंसे हुए हैं। जब कोई व्यक्ति प्लान सुनने के बाद यस या नो में फंसा है तो इसका मतलब साफ है कि वो ज्वाइन हो भी सकता है, वो ज्वाइन नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पे मिडल मैन ने उसको कॉन्फिडेंस के साथ उसके अंदर विश्वास जगा दिया, उसको भरोसा दिला दिया कि पी टू पी से हम क्या कर सकते हैं, अगर फॉलोअप ठीक तरीके से कर दिया तो यस हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर वहां पे मिडल मैन शर्मा गया, अगर मिडल मैन ने वहां पे अपना रोल प्ले नहीं किया तो नो हो जाती है, राइट, कोई बहाना आ जाएगा जी मैं सोच के बताऊंगा, है ना। तो ये चीज होती है। अब बात है कि करना क्या है, फॉलोअप कैसे किया जाए, वो जो विश्वास दिलाना है, वो जो ट्रस्ट, वो जो बिलीफ ट्रांसफर करना है, वो कैसे किया जाएगा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो फॉलोअप जो है वो उसी टाइम पे हो जाना चाहिए जब भी आप प्लान करते हो, प्लान आपका खत्म हुआ उसी वक्त फॉलोअप शुरू हो जाए, राइट। और अगर बाय चांस उस टाइम पे नहीं हो रहा तो मैक्सिमम 24 आवर्स, 24 घंटों के बीच में हो जाना चाहिए। वैसे कोशिश करो कि उसी टाइम पे जहाँ पे आप बैठे हो आपका प्लान खत्म हुआ, फॉलोअप वहीं पे हो जाए। क्योंकि अगर वहां पे डिसीजन नहीं लिया गया, सामने वाला जो बंदा है उसने प्लान सुन लिया, अब आप उसको फॉलोअप कर रहे हो, अगर उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया गया तो वो डिसीजन कभी नहीं लिया जाएगा। 99% केसेस में ऐसे ही होता है, अगर उस टाइम पे ज्वाइनिंग हो गई तो हो गई, बाद में नहीं होगी, राइट। और उसका कारण मैंने आपको कई बार बताया है
कि उसका कारण होता है कि जब प्लान हम सुन रहे होते हैं तब हम उसको विजुअलाइज करते हैं, तब हम उसके बारे में इमेजिन करते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे पैसे आते हैं, अच्छा ऐसे मुझे पैसे आएंगे, अच्छा ऐसे ऐसे टीम बनती है, मैं अपनी टीम में इस बंदे को जोड़ूंगा, इस रिश्तेदार को, इस दोस्त को, इस तरीके से मेरी टीम बनेगी, फिर हम मिलके काम करेंगे, फिर इतने पैसे आएंगे, मैं उससे अपने ये ड्रीम पूरे करूंगा। तो वो जैसे जैसे आप प्लान शेयर कर रहे होते हो वैसे वैसे वो सुनने के बाद उसके दिमाग में चीजें चल रही होती हैं, राइट, प्रोस्पेक्ट के। तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है उसका, राइट। तो उस टाइम पे अगर आप उसको फॉलोअप सही तरीके से करके डिसीजन लेने में मदद कर देते हो तो ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर आप सोचते हो कि उसने बोला मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है जी सोच के बताएगा, तो बात कल पे चली गई, कल से परसों पे, परसों से अगले हफ्ते पे, उसके बाद में ज्वाइनिंग नहीं होगी, राइट। तो फॉलोअप उसी टाइम पे कीजिए। फॉलोअप करते हुए कभी भी बहसबाजी में मत जाइए, कभी भी आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइए। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हो तो पर्सन की ईगो हर्ट होती है, राइट। उसका उसका जो उसको महसूस होता है कि जैसे मेरी इंसल्ट हुई है, ठीक है। पी टू पी को साइड पे रख के एक बार सोचो, अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल की बात करो या अपनी फैमिली में बात करो या आप किसी फंक्शन पे गए हो, कहीं पे अगर कोई आपको गलत साबित कर दे, कहीं पे अगर कोई आपकी बात को काट दे, जो आप कह रहे हो उससे उल्टा बोले, तो आपको महसूस होता है जैसे आपको अपमानित किया गया है, जैसे आप इंसल्ट फील हुई है आपको, राइट। तो इसी तरीके से जब आप पी टू पी का प्लान शेयर करने के बाद फॉलोअप कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट्स में जाते हो, वो कुछ बोल रहा है आप कुछ और बोल रहे हो, है ना, बिल्कुल भी विचार मैच नहीं हो रहे हैं और बहसबाजी हो गई है, तो भले ही उसको सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना लगे वो ज्वाइन नहीं करेगा, राइट। क्योंकि बिजनेस, पैसा, ये सारी चीजें बाद में होती हैं, सबसे पहले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो अगर उसको लगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है तो फिर बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट्स में कभी नहीं जाना। ऐसा ना हो कि किसी ने कह दिया जी ये सिस्टम फ्रॉड है और आप उसके गले पड़ गए, उसने कह दिया जी ये सिस्टम भाग जाएगा और आप उससे गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लग गए, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट। और जब भी आप फॉलोअप करते हो, या इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जब आप प्लान भी शुरू करते हो या इंट्रोडक्शन भी करते हो, तब से ही ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिनका आंसर पॉजिटिव हो, राइट। जैसे कि आप पूछ सकते हो कि सर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो? अब कोई कोई किसी भी इंसान से पूछ लो, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं होना चाहता, वो पॉजिटिव आंसर ही देगा, हाँ होना चाहता हूँ, है ना। तो सर इस सिस्टम में अगर हम इतने घंटे काम करें तो हम हर महीने लगभग इतनी इनकम ले सकते हैं, है ना। लेट्स से कि आपने बोल दिया इससे हम हर मंथ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो क्या आप जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या आप ये 1 लाख रुपए की जो एक्स्ट्रा इनकम है ये लेना चाहते हो? अब कोई ये थोड़ी बोलेगा नहीं लेना चाहता, ऑफ कोर्स लेना चाहते हैं, है ना। तो इसका भी आंसर पॉजिटिव है। मतलब आप जितने पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछते हो, जितने पॉजिटिव आंसर्स, जितनी बार यस 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 सामने वाले प्रोस्पेक्ट के मुंह से आता है, उतना ही उसका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होता जाता है। तो जब लास्ट में ज्वाइनिंग की बारी आएगी तो हाई चांसेस हैं कि उसका जवाब भी यस होगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप फॉलोअप करते हो तो प्रोस्पेक्ट के तरफ से दो चीजें होती हैं, या तो क्वेश्चंस होते हैं या फिर एक्सक्यूजेस होते हैं, या सवाल होंगे या बहाने होंगे, राइट। तो अगर तो सवाल है, राइट, दोनों चीजों का अपने अलग अलग तरीका है, राइट। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जी कहीं सिस्टम भाग तो नहीं जाएगा, राइट, या क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसका फाउंडर कौन है, इसको किसने बनाया है, अगर इसका कोई MD नहीं है तो इसको चला कौन रहा है, राइट। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो तो बिल्कुल एक सही तरीके से आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको आंसर करो, और वो बिल्कुल जायज क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि एक्सक्यूजेस होते हैं, है ना, बहाने होते हैं। पैसे जेब में पड़े होंगे लेकिन बोल देंगे जी पैसे नहीं है मेरे पास, है ना, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बोल देंगे जी मैं अगले हफ्ते मेरे पैसे आएंगे मैं तब ज्वाइन करूंगा, अगले महीने मेरी सैलरी आएगी 1 तारीख को, ये होगा वो होगा, तो अगले शुक्रवार को ये होगा तो फिर मैं ज्वाइन करूंगा, तो ये बहाने होते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है और बहानों को कैसे टैकल करना है, इन दोनों की अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हमने पहले कई बार बात की है, दोबारा आने वाले टाइम में फिर से करेंगे। इन दोनों का फर्क समझना है आपको, राइट। तो जब आप फर्क समझने लग जाओगे ना तो और अच्छे से फॉलोअप कर पाओगे कि क्वेश्चन क्या है, ये जो पूछ रहा है, ये जो बोल रहा है प्रोस्पेक्ट,
क्या ये इसका जेन्युइन सवाल है या फिर ये बहाना बना रहा है? तो अगर तो जेन्युइन सवाल होता है तो उसका जवाब होता है, अगर कोई बहाना होता है तो उसको टैकल करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि प्लान सुनने के बाद जो स्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है, वो होती है डाउटफुल। जो माइंडसेट है प्रोस्पेक्ट का वो डाउटफुल है, वो डाउट में है ज्वाइन करूं या ना करूं। अगर ये सिस्टम अच्छा है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज्वाइन ना करूं और कल को ये जो मेरे पास लेके आया है सिस्टम ये कामयाब हो जाए, ये अकेला कामयाब हो जाए, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो वो ज्वाइन होना चाहता है लेकिन साथ ही साथ वो डाउट में भी है कि यार ऐसा ना हो कि मैंने पैसे लगाए और कल को सिस्टम भाग गया तो मेरे 11,000 रुपए डूब जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको ज्वाइन कर लूं लेकिन बाद में मेरे साथ कोई ज्वाइन ना करे, तो डाउट है। तो आपको उस डाउट को समझना है और उसके ऊपर काम करना है, वो डाउट क्लियर करना है। अगर डाउट क्लियर हो गया तो डिसीजन उसी वक्त ले लिया जाएगा, अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, राइट? तो यही सिर्फ फर्क है। फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करो, फॉलो अप इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको 10 में से 9-10 लोग भी ज्वाइन होंगे, और मैंने होते हुए देखे हैं, राइट? क्यों? सिर्फ फॉलो अप का फर्क है। जिन लोगों का फॉलो अप स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बोलते हैं जी मैंने 20 प्लान कर दी, मैंने 50 प्लान कर दी, ज्वाइन नहीं हुई। और जिन लोगों का फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है तो उनके साथ क्या होता है कि अगर प्लान थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे भी हो गया तब भी लोग ज्वाइन हो जाते हैं क्योंकि फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है, राइट? सो इसको समझो और इसको प्रैक्टिकली करो। और अगर आप 10 में से 5 लोगों को ज्वाइन करा रहे हो, फॉलो अप पे काम करोगे, 10 में से 7-8 लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे, 10 में से 10 भी होते हैं, राइट? तो ये तरीका है फॉलोअप का। तो इसको लेके किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी मनप्रीत कौल जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कल मैं पहले हर्बल लाइफ में सुपरवाइजर रैंक पे हूँ प्रेजेंट में, तो मेरे सीनियर हैं जो, तो उनसे मेरी बात हुई थी तो वो कहने लगे कि जो कंपनियां प्रोडक्ट बेस पे चलती हैं वो लीगल हैं, ये तुम्हारी जो मतलब ये कम्युनिटी है जो, ये अनलीगल है कि हम किसी के बैंक में ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते पैसे। तो मैंने उनको बोला कि वैसे तो अभी तक तो बढ़िया चल रही है हमारी, कौन सी ज्यादा इतनी ज्यादा हम उसमें वो लगा रहे हैं, 11,200 रुपया अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है, तो वैसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं, हम 5 लोगों में हम गवर्नमेंट को तो कोई दे नहीं रहा कुछ भी, ना कोई कंपनी है, हम आपस में एक समूह है हमारा जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो वो कह रहे नहीं, जिस दिन आपकी गवर्नमेंट को ये वाइवा चला गया तो आपकी कंपनी ये बंद हो सकती है। ओके ठीक है, तो आप उनको ये बता सकते हो कि... सर इसका मुझे थोड़ा सा बताएं आप कि मैं उनको क्या जवाब दूं। ओके तो पहली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जो उन्होंने कहा, उसी में ही उस बात का आंसर है। उन्होंने कहा कि जो कंपनीज प्रोडक्ट बेस पे नहीं होती, प्रोडक्ट्स के साथ नहीं काम करती, वो इलीगल होती हैं, राइट? पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर मान भी लीजिए कि ये स्टेटमेंट सही है तो हम तो कंपनी है ही नहीं है ना, तो उनकी बात बिल्कुल यहाँ पे लागू नहीं होती। सेकेंडली ये इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, राइट, वो बिल्कुल लीगल तरीके से हो रही है। लीगल क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोले जी मुझे पैसों की जरूरत है, मनप्रीत जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप उसके अकाउंट में डायरेक्ट गूगल पे कर दो या बैंक ट्रांसफर कर दो, तो क्या ये इलीगल है? बिल्कुल नहीं है। अगर आपका कोई रिलेटिव आपको बोले कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप उसको 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए ट्रांजेक्शन कर दो, तो ये पूरी तरह से लीगल है। ठीक इसी तरह आपको पैसे चाहिए हो, किसी से आप लो, बिल्कुल लीगल है। अगर आपके पास कोई अनजान बंदा आ जाए कि जी मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है या मेरे पास कोई प्रॉब्लम में है, मेरे इलाज के लिए पैसे चाहिए, आप किसी को दान के रूप में अगर किसी को कुछ पैसे दो, भले ही सैकड़ों में दो, हजारों में दो, लाखों में दो, वो पूरी तरह से लीगल है। ठीक उसी तरीके से ये जो कम्युनिटी है, इसके जो मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे को मदद करते हैं, वो एक दूसरे को ट्रांजेक्शन करते हैं, और ये पूरी तरह से लीगल है। पिछले 3-4 साल से ये सिस्टम इसी तरीके से चल रहा है और बहुत सारे लोग जो इसमें इनकम लेते हैं, बहुत सारे लोग जो इसमें पैसा कमाते हैं, वो प्रॉपर टैक्स देते हैं और ये ऑलरेडी सरकार की नजर में है। तो जब सरकार की नजर में है, लीगल है, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन लोगों को तो बस
कुछ भी बोलना होता है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, फिर भी उनको बोलना होता है, राइट? तो आप उनको ये बता सकते हो। डॉक्टर गुरबिंदर सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। सत्यकाल सर। हाँ जी सत्यकाल जी। सर एक तो जैसे हमारे जैसे सीनियर, मेरे सीनियर जो सूबेदार मनोहर सिंह जी हैं और जैसे हरजीत सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, जब हम प्लान करने जाते थे ना तो वो बोलते थे हमें भी, हमने जो आपका टॉपिक सबसे मेन कहने का मतलब रीढ़ दी हड्डी है, जो कहने का मतलब ये भी जब हम किसी से बात करते थे ना तो हमारे सीनियर बोलते थे भी अगले दिन हम उनका फॉलो अप लेना है, हमने उनके पास जाना था, हम थोड़ा सा हिचक जाते थे, कल तो गए थे, कल तो उसने ऐसा बोला है, लेकिन जब हम अगले दिन उसका कोई कोई ना कोई मन में डाउट होता है, हम क्लियर नहीं करते तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती। जैसे अगले दिन जाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 101% मिलता है, जब हम अगले दिन नहीं जाते, दो दिन बीच में से गैप आ देते हैं ना, तो वो गैप के कारण जो वो बीच वाला जिसके साथ हमने प्लान शेयर किया वो किसी ना किसी से बात करता है और उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, क्यों प्लान के बारे में उसको पूरा प्रॉपर तो पता चलना नहीं है, हमें भी नहीं पता चला था एक बार सुनने से, लेकिन जब हम उसको दो दिन का तीन दिन का गैप आकर फिर जाते हैं जहाँ उससे फोन से बात करते हैं, ऐसे कैसे आप क्या करोगे, आप करोगे ज्वाइन, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम सामने बैठते हैं हमारा सीनियर साथ होता है तो उसका और रिजल्ट हमें बेहतर मिलता है, हम यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, ऐसा ही होता है, और जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उस चीज का असर कम होता जाता है ना। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो एक स्टूडेंट ने स्कूल में कुछ पढ़ाई की, उसकी टीचर ने उसको कुछ पढ़ाया, अगर उसी टाइम उसका टेस्ट ले लोगे तो हो सकता है उसके पूरे मार्क्स आ जाएं, अगर अगले दिन टेस्ट लोगे फिर भी उसको काफी कुछ याद होगा, लेकिन उसी चीज का टेस्ट अगर एक महीने बाद या छह महीने बाद लिया जाए तो अगर तैयारी नहीं की होगी, याद नहीं किया होगा, तो उसके उसको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं होगा, बिल्कुल मार्क्स जीरो आएंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप प्लान किसी के साथ शेयर करते हो उस टाइम पे उसको कुछ कुछ समझ होती है, लेकिन जैसे एक दिन बाद, दो दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आप उससे पूछोगे उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, राइट? और उसका इंटरेस्ट लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन के जो फॉलो अप है वो उसी टाइम पे या विद इन 24 आवर्स हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब एक्सपीरियंस बताने के लिए। ओके सुखप्रीत सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, मैं सुप्रीत बोल रही हूँ। हाँ जी आपकी आपने जो भी बोला कुछ भी समझ में नहीं आया, आवाज कट गई थी, आप दोबारा से रिपीट कीजिए। हम आपके आपके नेटवर्क का कोई इशू है, आपके पास बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है, तो प्लीज आप थोड़ी देर बाद दोबारा हैंड रेस करके ट्राई कीजिए, और अच्छा होगा अगर आप किसी नेटवर्क कवरेज एरिया में जाके ट्राई करेंगे। रवि अनम्यूट कीजिए रवि जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा ना जी क्वेश्चन सीगा कि मैं ना सर थोड़े दिन पहले एक मेरे फ्रेंड को गया सी, वो सर लग्या होया जी पंजाब ग्रामीण बैंक दे विच। ठीक है जी। ठीक है जी। उन्हां दा एक फ्रेंड होर सीगा वो लग्या होया जी SBI बैंक दे विच। ठीक है जी। मैं सर सारी डिटेल उन्हां नूं दस्सती जी, सारी मतलब सारा प्लान समझाता सीगा जी, ते उस तो बाद सर उन्हां दा क्वेश्चन सीगा कि जे तुहानूं इह ट्रांसफर आ रही हैगी, मतलब कोई भी पेमेंट आ रही है, जे कोई अनवांटेड मतलब कोई मिलीटेंसी दे नाल रिलेटेड जां कोई बंदा कोई होर इस तरह दा कोई परसन आपां नूं कर दिंदा है तां उहदा चक्कर तां नहीं पै सकदा सर, मतलब वी आपां नूं जिहड़ी पेमेंट आ रही है, फिर वी उहनां नूं दस्सिआ वी जदों आपां कोई खाता खोलदे हैगे तां उहदे विच तां सारा मतलब डाकूमेंटेशन पहलां बैंकिंग वेरीफिकेशन करदा ही करदा हैगा, ते फिर आपां नूं कोई मतलब इस तरह दा बंदा किवें कर दूगा, पर उह सर मन नहीं रहे सीगे जी। हुण मैं सर ID वैसे मतलब कोशिश कर रहा उहनां दी लगाउण दी, पर मैनूं सर इहदा हल दस्सो जी, मैं हुण अग्गे की क्वेश्चन आंसर दे सकदा सर। ओके तो पिछले करीब 4 सालों में
बहुत सारे ऐसे लोग हैं P2P कम्युनिटी में जिनको करोड़ों रुपए की इनकम जो है इस कम्युनिटी से, इस प्लेटफॉर्म से हुई है, राइट? हाँ जी सर, किसी हाँ को जी, हाँ कभी, जी। किसी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज। दूसरी सर, आप शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई कोई मिलिटेंट या कि कोई भी और हाँ ऑर्गेनाइजेशन वो हमें पैसा देगी, वो ऑर्गेनाइजेशन हमें क्यों पैसा देगी? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने किसी को बिना मतलब के पैसे दिए हों? कोई किसी के अकाउंट में क्यों पैसे डालेगा, है ना? तो अगर P2P में कोई डाल रहा है तो वो प्रॉपर इनकम ही है, एक चीज। दूसरा, जब आपको इतनी जगह से 4800 4800 रुपीज की, 48 48 रुपए, 48 4800 रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो। मान लो कि आपको 100 लोगों ने 4800 रुपए की पेमेंट की, उसमें से मान लो अगर कोई एक बंदा ऐसा है जिसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपके बिल्कुल आराम से प्रूव कर सकते हो कि जी 4800 रुपीज की ये मैचिंग हेल्प है, वो अलग अलग लोगों से आती है। तो इस तरह की कोई दिक्कत ना कभी किसी को आई है, और ना ही मुझे लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आगे कभी आएगी, एक चीज। दूसरा, अगर कोई बोलता है ना जी मैं नहीं मानता, तो उसका कोई सही सोल्यूशन नहीं होता, उसको मनाना भी है, नहीं चाहिए, ओके राइट? सर, ओके, जो वाकई में सवाल इसलिए पूछ रहा है कि मुझे जानकारी दो, है ना, या मुझे बताओ इसके बारे में, तो उस सब सवालों के जवाब हैं। जो ये बोलता है कि जी मैं नहीं मानता, उसका कोई हल नहीं है, और दुनिया में ऐसे कुछ लोग का हैं कोई जो, इलाज भी है क्या जी? हाँ हाँ, और इनकी परवाह करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत हाँ, इन लोगों से मिलना है, इनके साथ प्लान शेयर करना है। जो राजी होता है, जो आना चाहता है, जो कुछ जिंदगी में करना चाहता है, वो आपके साथ आ जाएगा। जो नहीं करना चाहता, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा। और सर मतलब फिर मैंने मतलब दोबारा भी ये बातें कही उनको, ये लीगली तौर पे, वो कहते कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास कि लीगली तौर पे है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इस तरह का उनको बोलो मतलब? कि आपके पास ऐसा कोई कारण है जो बता सके कि ये इलीगल है ना? क्वेश्चन ठीक है पे जी, क्वेश्चन किया करो, राइट? और उनको बोलो कि मैं आपको 100 ऐसी कंपनीज बता सकता हूँ जिनके पास तमाम कागज थे, जिनके पास सारी सर्टिफिकेट, सारी रजिस्ट्रेशंस, गवर्नमेंट की अप्रूवल्स, गवर्नमेंट की अप्रिसिएशंस, ये वो सब कुछ था, जी लेकिन फिर भी वो फिर भी फ्रॉड वो करके भाग फिर भी फ्रॉड करके। हाँ सही है गए, है जी, ना? ठीक राइट, है सर, थैंक चलिए, यू सर, थैंक यू थैंक वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। यू, थैंक यू सर। ओके तो दोस्तों, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, आप अपना हैंड रेस कर सकते हो। मोहम्मद इदरीस जी, लगता है ये करंट टॉपिक के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, अनमोल कीजिए सर। सर कई बार क्या होता है ना, हम प्लान दे देते हैं, वो जो प्लान हाँ जी, देने जाते हैं तो वहां पे चीजें होती है, वो सामने वाला जो होता है, जो न्यू पर्सन होता है, वो सुनना हाँ चाहता जी, है कुछ और हम कोशिश हाँ करते हैं सुनाने की उसको, और तो इस ओके, कंडीशन में भी क्या ना बहसबाजी हो जाती है। किसी को मान लीजिए इस बात बहुत ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, अगर हम उसको बोले हाँ P2P में आएगा तो पैसा और मिल जाएगा, तो ये बात तो हाँ बहुत उसके लिए सुनने में तैयार ही नहीं होगा वो, लेकिन हाँ हम पीछे पड़ रहते हैं कि 10,000 कमा लेगा, 20,000 कमा लेगा, 1,00,000 कमा लेगा, तो वहां पे क्या होता है, उसकी नीड एनालिसिस करना पड़ता है, इसकी जरूरत क्या है, ये रिस्पेक्ट तो नहीं चाहता है, मान ली उसका पैसा तो बहुत है लेकिन सम्मान लोग नहीं करते, तो वहां पे हमें क्या करना है, उसको समझाना है कि सर आप इस बिजनेस में आते हो तो आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा, भला हो जाएगा, और वो लोग आपका सम्मान करेंगे जीवन भर। मान लिया सपोज दैट मैं आपके साथ ज्वाइन हो गया और मैंने 10-50 लाख रुपए कमा लिए, तो सर मेरी नजर वहां पर सम्मान बढ़ेगा घटेगा? वो बोलेगा बिल्कुल बढ़ेगा, तो इस तरीके से लोग इमोशनली ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगी बिजनेस में। बिल्कुल तो कई सर, बार सर फिर आपने बड़ा अच्छा दूसरी पॉइंट बार फिर रेज क्या किया है। होता हाँ है, दूसरा जी, सर एक और चीज आती है, कई बार कुछ लोग जॉब में होते हैं, ठीक है, जॉब में क्या होता है, उसको बताएं अगर मान लो 20,000 महीने कमाता है वो, उसको हम ये बोलते हैं कि तू 50,000 महीने यहाँ से कमा ले, तो उसके सर से ऊपर से उतर जाती है बात, बोलता है यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 24 घंटे रहता हूँ नौकरी में, मैं 20,000 कमाता हूँ और जो 50,000 ऐसी कमाने की बात कर रहा है, तो जरूरत अब उसकी नीड है पता लगा 20,000 25,000, हम बता रहे हैं उसको 50,000 1,00,000 नीचे बात कर रहे हैं, तो भी वो सुनने में तैयार नहीं होता फिर उस कंडीशन में। तीसरी बिल्कुल, चीज सर एक और होती है, अब कोई भी आदमी इसको पैसे का बहुत लालच, नहीं बहुत पैसा है उसके पास, ठीक है, लेकिन उसको डर है मरने का, तो हर दिन डर होता है मैं दुनिया में नहीं रहा, तो उसको उस टाइम ये बोलना है कि सर ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में लोग आते हैं, लोग काम करते हैं, अगर मैं तो एक सर एग्जाम्पल देता हूँ लाइव लोगों को, मैं बोलता हूँ मान ली सर मेरी 1,000 नोट टीम है,
और मेरे साथ कोई कैजुअल्टी हुई, मैं दुनिया से विदा हो गया, तो लोग तो बच जाएंगे ना सर, लोग काम करेंगे, पैसा आएगा मेरे घर में। और इसके अलावा ये बोलता हूँ मैं बीच बीच में, सर ऐसा होता है कई बार, अभी जो कोविड आया था, कोविड में सर एक साल हो तो डर नहीं, उसमें लोग बच गए, लोग है नहीं, तो बोलता है हाँ बिल्कुल सर आप तो सही कर रहे हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर फैमिली सिक्योरिटी भी है, थोड़ा नेटवर्क बनाने के बाद अगर हमारे साथ कोई मिसअपनी हो जाती है तो वहाँ पर भी हम पैसे आते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उसी निकल जाता है, उसके दिल को टच कर जाता है, छू जाता है और इमीडिएटली वो ज्वाइन हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें हमें सर क्या करना है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है उस टाइम, वो चाहता क्या सामने वाला, और ये होता तब है जब हम प्लान देने जाते हैं और हमारे साथ में जो मिडिल मैन है उससे हमें उस बीच में क्या है फीडबैक लेना पड़ता है कि आदमी कौन है, क्या चाहता है, क्या करता है, उसके बारे में लोग क्या करते हैं, मोस्टली अपलाइन ले जाए सीधे बढ़ा देते हैं, 11,200 रुपये दे के अपलाइन खरीद लिया, अब सारे उसको अपने आप ही कई बार बोलते हैं सर जितने सवाल है सब इनसे पूछ लो, अपने आप नहीं बोलते कुछ, उसके दिमाग कई बार सवाल ऐसे होते नहीं आते हैं लेकिन फिर भी लोग याद दिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर मोहम्मद जी, आप सही बोल रहे हो कि नीड एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है, कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोस्टली तो हर बंदे को पैसों की जरूरत है, कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरे पास और पैसे ना हो, अगर कोई 10,000 कमा रहा है वो 20 कमाना चाहता है, 50 कमाना चाहता है, 50-16 लाख चाहता है, क्योंकि हर बंदे के का जो लाइफ का साइकिल है ना, जो उसके खर्चे हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ती है ना, क्योंकि अगर अगर कोई यंग है तो उसके कल को बच्चे होंगे है ना, अगर किसी के बच्चे हैं तो वो पढ़ाई कर रहे हैं है ना, उसको पैसों की और जरूरत है, अगर पढ़ रहे हैं तो कल को कॉलेज में पढ़ेंगे उसको और ज्यादा जरूरत है ना, अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बच्चों की शादी करनी है और भी ज्यादा जरूरत है ना, हर बंदे की जो नीड्स है ना वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, उसके खर्चे बढ़ते रहते हैं लेकिन इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ती, राइट। और अगर ऐसा नहीं भी हो तब भी हर बंदे के कुछ ड्रीम्स होते हैं कि उसको एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर लेवल का लाइफस्टाइल अचीव करना होता है, हर बंदे के सपने होते हैं जी मेरे पास फलानी गाड़ी हो, मेरे पास इस तरीके का घर होना चाहिए अपना, या मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ, इस तरीके के हर बंदे के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं और वो कई सालों से पूरे नहीं हुए होते, तो हर बंदा इसलिए चाहता है कि उसकी इनकम ज्यादा हो। इनफैक्ट अगर कोई 5 लाख रुपए महीने भी कमा रहा होगा ना, फिर भी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो चाहेगा कि मैं मुझे और आने चाहिए, मेरा ये काम रुका हुआ है, अगर मेरे पास इतने पैसे और आ जाए तो मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होती। हाँ अगर किसी के पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, वो सेटिस्फाइड है, तो फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से उसको P2P प्लेटफॉर्म पे इस सिस्टम में इस बिजनेस को करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। वो कारण कौन से हैं? एक तो आपने पहले बताया कि जो एक मेहनत होती है, एक तो आपने बताया कि कई बार पैसों की जरूरत नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत होती है ना, कि सोसाइटी में उसकी जो और इज्जत हो है ना, और वो तभी होती है जब आपके साथ लोग होते हैं, जब आपके साथ टीम होती है, आप लीड करते हो किसी को, तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण जो मैंने नोटिस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कि जो मान लो अगर कोई पहले से ही 5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, उस 5 लाख के लिए या उस 2 लाख रुपए जो भी वो कमा रहा है उसके लिए वो 10-10, 15-15 घंटे काम कर रहा है, भले ही उसकी खुद की फैक्ट्री क्यों ना हो, भले ही उसका खुद का कोई बहुत बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए उसके बहुत सारे एफर्ट्स रेगुलरली लग रहे हैं, वो काम करता है तो पैसे आते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे कारोबारियों को जानता हूँ जिनके पास पैसे तो बहुत है, कामयाबी बहुत है, लेकिन उनके पास खाना खाने तक का समय नहीं है, उनके पास अपने बीवी बच्चों को अपने पेरेंट्स को देने के लिए समय नहीं है, उनके पास सर खुजाने तक का वक्त नहीं है, राइट। तो वहां पे सिर्फ पैसे किसी काम के नहीं है, यहाँ पे P2P में जो पैसे आते हैं उसके साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम भी मिलती है, और बहुत सारे लोग इसी वजह से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे टीम मेंबर्स ऐसे भी हैं जो पहले बहुत पैसे कमा रहे थे लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे थे, यहाँ पे उनको ये दोनों चीजें मिल रही हैं। तो जैसे मोहम्मद इदरीस जी ने कहा कि नीड एनालिसिस बहुत जरूरी है, देखो कि प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, कितना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो 20,000 रुपये महीना कमा रहा है ऑलरेडी और उसका सर्कल उसकी सोच वहीं तक है और आप उसको बता रहे हो जी इसमें 5 लाख रुपये महीने कमा सकते हो, वो कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, उसके सर के ऊपर से बात निकल जाएगी क्योंकि उसने किसी को 5 लाख रुपए महीने कमाते देखा ही नहीं है,
उसने कभी सोचा ही नहीं है कि वो कभी 5 लाख रुपए कमा सकता है, तो आप उसको विजन बहुत बड़ा दिखा रहे हो। उसको अगर आप ये बोलोगे कि अगर आप इसमें पार्ट टाइम काम करो तो आप इसमें 20,000 रुपए, 30,000 या 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो सकता है उसकी बात समझ में आ जाए। और ठीक इसी तरह अगर कोई पहले से ही 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, उसको आप बोलो कि इसमें 50,000 रुपए कमा सकते हो, तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि कहां 5 लाख वो ऑलरेडी कमा रहा है और उसको 50,000 से क्या मतलब है ना। तो विजन सामने वाले के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से, उसका नीड एनालिसिस करके आप अमाउंट को या जो कामयाबी, जो विजन आप दिखा रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट किया करो। ओके, ऑलराइट दोस्तों, सो इस मीटिंग को बाइंड अप करते हैं। और बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुई, आप सबने बड़े अच्छे अच्छे व्यूज दिए। तो 4 बेसिक्स का जो पार्ट है वो आज खत्म होता है यहाँ पे, कल कुछ और डिस्कस करेंगे। तो सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।